नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको आर्मी से संबंधित टॉप 30 इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट लेंगे, जिसमें आपका 15 जीके का होने वाला है और 15 जनरल साइंस का। टोटल 30 क्वेश्चन का शानदार सा टेस्ट है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को पूरा देखना है और इस टेस्ट में कम से कम आपको 25+ का सही जवाब देना है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है और लास्ट में जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका पूरे 30 क्वेश्चन का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। तो चलिए, बिना किस टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि खुआंग इज द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ विच स्टेट, यानी कि खुआंग किस राज्य का पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र है। ऑप्शन है आपका झारखंड, बी पश्चिम बंगाल, सी असम या ऑप्शन नंबर डी मिजोरम। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी मिजोरम लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दो नंबर क्वेश्चन की ओर। दो नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच कंट्री इज कॉल्ड द कॉफी बाउल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि किस देश को विश्व का कॉफी बाउल कहा जाता है। ऑप्शन आपका मेक्सिको, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी जापान। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी ब्राजील लाइव चैट में बताया है, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन नंबर क्वेश्चन को। तीन नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि इन विच ईयर वाज द हड़प्पा सिविलाइजेशन फर्स्ट डिस्कवर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1926 में या ऑप्शन नंबर डी 1932 में। तो आप सभी को बताना है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम कौन से साल को हुआ था। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1921, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो आपका 1905 में हुआ था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, चार नंबर क्वेश्चन को। चार नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच अवार्ड इज गिवन टू द बेस्ट कोच इन स्पोर्ट्स एंड गेम्स, यानी कि स्पोर्ट्स और गेम्स में सर्वश्रेष्ठ कोच में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन बी अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी द्रोणाचार्य पुरस्कार या ऑप्शन नंबर डी ध्यानचंद पुरस्कार। क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ना और जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइव चैट में बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पांच नंबर क्वेश्चन को। और पांच नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन ईजी है, लेकिन आपके एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांस है, तो जल्दी से बताने कि स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद या ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे वो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, छह नंबर क्वेश्चन को। छह नंबर क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हेन वाज द एलओसी डिटरमाइंड, यानी कि एलओसी का निर्धारण कब किया गया था। आपको बताना है कि लाइन ऑफ कंट्रोल का निर्धारण कब किया गया था। ऑप्शन है 1972, ऑप्शन बी 1915, ऑप्शन सी 1903 या ऑप्शन डी 1899। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर है 1972, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कौन से साल को लौटे थे, तो आपका 1915 में लौटे थे, इसे भी आपको ध्यान रखना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, सात नंबर क्वेश्चन को। सात नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु गेव द स्लोगन ऑफ दिल्ली चलो, यानी कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भगत सिंह या डी लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो जल्दी से बताना कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिएगा, दिल्ली चलो का नारा जो दिया गया था वो आपका सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सुभाष चंद्र बोस, यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था, तो करो या मरो का नारा जो दिया गया था वो आपका महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो दिया गया था आपका भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रख लेना है। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, आठ नंबर क्वेश्चन की ओर। आठ नंबर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। देखो, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन से संबंधित है। आपको बताना कि कौन सा अनुच्छेद है जो नए राज्यों के गठन से संबंधित है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 4, ऑप्शन बी अनुच्छेद 5, ऑप्शन सी अनुच्छेद 10 या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 6। तो जल्दी से इसका राइट आंसर लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा, इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 6 बताए हैं, उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन,
नंबर क्वेश्चन को, 9 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि इंडिया चाइना एंड जापान फॉल अंडर विच कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि भारत चीन और जापान विश्व के किस महाद्वीप के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन है यूरोप, बी एशिया, सी अंटार्क्टिका या ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी एशिया बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। देखिएगा विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो होता है वो भी आपका एशिया ही होता है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को, 10 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच इज द ओरिजिन ऑफ कृष्णा रिवर, यानी कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, जल्दी से बताना है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहां पर होता है। ऑप्शन है अमरकंटक, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी तिब्बत या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो होता है वो आपका महाबलेश्वर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी महाबलेश्वर बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक कर देना, और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो, ताकि 100 से भी ज़्यादा बंदे हमारे साथ लाइव जुड़े। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जितना हो सकता है जितना लाइव जुड़ो यार, क्योंकि आपके लाइव आने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना है। तो देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट, यानी कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है राजस्थान, बी आंध्र प्रदेश, सी उत्तराखंड या ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। तो देखिएगा बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व जो होता है वो आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा कि हु रोट अकबरनामा, यानी कि अकबरनामा किसने लिखा था। ऑप्शन है अमीर खुसरो, ऑप्शन बी अब्दुल फजल, ऑप्शन सी बीरबल या ऑप्शन नंबर डी अकबर। तो देखिएगा अकबरनामा जो लिखा गया था वो आपका अब्दुल फजल के द्वारा लिखा गया था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी अब्दुल फजल यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार आया है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि विच इंस्ट्रूमेंट मेजर वेव्स रीचिंग द सर्फेस ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि कौन सा उपकरण भूकंप के दौरान सतह पर पहुंचने वाली तरंगों को मापता है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। ऑप्शन है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन बी क्रोनोमीटर, ऑप्शन सी मैनोमीटर या ऑप्शन नंबर डी बैरोग्राफ। और इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन फिक्स होता है, तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा ये टॉपिक मैंने आपको करवाया है तो आप जाकर के देख सकते हो। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर है सिस्मोग्राफ यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन को, 15 नंबर क्वेश्चन हमारा जीके का लास्ट क्वेश्चन है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जरूर कमेंट करके बताना आपका टॉप 15 जीके वाले सेक्शन में कितना क्वेश्चन सही होता है। आप जरूर कमेंट करके बताइए कि आपका टॉप 15 इंपॉर्टेंट जीके के टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। मैं आपके लिए पार्ट बी जाके यानी कि जनरल साइंस का भी क्वेश्चन करवाऊंगा, टॉप 15 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का भी क्वेश्चन होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना है, सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए सिलेक्टेड है तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। तो देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे। आपको बताना कि भारत में पहला बार संविधान सभा का चुनाव कौन से साल को हुआ था। ऑप्शन है 1947, बी 1944, ऑप्शन सी 1946 या ऑप्शन डी 1948। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी 1946 बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन को, 16 नंबर क्वेश्चन है हमारा पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है टॉप 15 इंपॉर्टेंट जनरल साइंस का भी क्वेश्चन है तो वीडियो को पूरा देखना है। तो देखिएगा 16 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा किसी ने बार्स आर ओर ऑफ पिच मेटल, यानी कि सिनेबार किस धातु का अयस्क है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से बताना कि सिनेबार जो होता है वो किस धातु का अयस्क है। ऑप्शन है चांदी, बी पारा, सी एल्युमिनियम या ऑप्शन नंबर डी सोना। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी मरकरी, यानी कि पारा यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, 17 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है। ऑप्शन आपका ब्रोमीन, बी चांदी, सी तांबा ये ऑप्शन डी ग्रेफाइट। जल्दी से बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन बिजली का सबसे अच्छा चालक नहीं है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए ब्रोमीन यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु कौन है, तो आपका ब्रोमीन है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन को, 18 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हु डिस्कवर न्यूट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। ऑप्शन है आपका जेम्स चैडविक, ऑप्शन बी जे थॉमसन, ऑप्शन सी सैमुअल कोर्ट या ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताना है कि न्यूट्रॉन की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए जेम्स चैडविक यहां पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। और देखिएगा इलेक्ट्रॉन का खोज जो किया गया था वो आपका जे थॉमसन के द्वारा किया गया था, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन को, और 19 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द एग व्हाइट्स कंटेंट अ हाई अमाउंट ऑफ, यानी कि अंडे के सफेद भाग में अधिक मात्रा में होता है। ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, बी वसा, सी विटामिन या ऑप्शन डी प्रोटीन। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें
लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी प्रोटीन लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबा लो ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। तो सब्सक्राइब करने के बाद एक बाजू में बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है और कम से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करो ताकि हमें भी कुछ सपोर्ट मिल सके। आपके लिए हम कितना मेहनत करते हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है जाकर के जल्दी से कम 3 या 4 दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करना और एक एक लाइक तो बनता है तो जाकर के जल्दी से एक एक लाइक भी कर देना है। तो देखिएगा 20 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। बहुत सारे लड़कों ने इसका राइट आंसर बता दिया है तो इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर से विटामिन सी बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ साल्ट यानी कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। ऑप्शन आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाई क्लोराइड या ऑप्शन डी पोटेशियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने का पूरा पूरा चांस है। तो जल्दी से बताना कि नमक का रासायनिक नाम क्या होता है। तो देखिएगा नमक का रासायनिक नाम जो होता है वो आपका सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा और शानदार क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पीस ऑफ आइस फ्लोट्स इन वाटर बिकॉज देयर इज आइस यानी कि बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरता है क्योंकि होता है। ऑप्शन है भारी, बी हल्की, सी ठोस या डी पिघलती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिए आप सभी को पता होगा कि बर्फ का घनत्व जो होता है वो पानी से कम होता है, इसी कारण बर्फ का टुकड़ा पानी में तैरने लगता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कम की जगह यहाँ पर आपका हल्का, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच प्लांट इज फाउंड मोर इन द डेजर्ट। देखो आपसे क्वेश्चन पूछा कि मरुस्थल में कौन सा पौधा अधिक पाया जाता है। ऑप्शन है आम, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी नागफनी या ऑप्शन नंबर डी नीम। आपको बताने के मरुस्थल में कौन सा पौधा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी नागफनी यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन को। 24 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन प्रिवेंट सॉइल इरेशन यानी कि निम्न में से किस में मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। आपको बताने कि इन चारों ऑप्शन में से किस से मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। ऑप्शन है पेड़ काटने से, बी बांध बनाने से, ऑप्शन सी पेड़ लगाने से या ऑप्शन डी सड़क बनाने से। तो आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी पेड़ लगाने से बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड इन द ह्यूमन बॉडी यानी कि मानव शरीर में रक्त की कमी निम्न में से किसकी कमी से होता है। ऑप्शन है कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी सोडियम या ऑप्शन डी लोहा। क्वेश्चन बहुत तेज है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आप सभी को आता होगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर डी आयरन लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज लाइम स्टोन मेड ऑफ यानी कि चूना पत्थर किससे बना हुआ है। ऑप्शन है लोहा, बी तांबा, सी बालू या ऑप्शन डी कैल्शियम। तो देखिएगा चूना पत्थर जो होता है वो आपका एक प्रकार का अवसादी चट्टान क्या होता है, अवसादी चट्टान होता है। आपको बताने कि चूना पत्थर किससे बना होता है। तो आप सभी को पता होगा कि चूना पत्थर जो होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज द फोर्स एक्सटेंड बाय द अर्थ ऑन एन ऑब्जेक्ट यानी कि पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर लगाया बल है। ऑप्शन ए यांत्रिक बल, बी विद्युत बल, ऑप्शन सी गुरुत्व बल या ऑप्शन डी चुंबकीय बल। आपको बताना है कि पृथ्वी पर कोई भी बल लगता है तो उस बल का नाम आपको बताना है। तो आप सभी को पता होगा कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी गुरुत्व बल यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो भी गुरुत्व बल लाइव चैट में बताए हैं उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन को। 28 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट डू यू यूज टू सी अ वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट यानी कि बहुत छोटा वस्तु देखने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है दूरबीन, बी ताल, सी सूक्ष्मदर्शी या ऑप्शन डी दर्पण। क्वेश्चन बहुत ईजी है और अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा है तो जल्दी से इसका राइट आंसर हमें लाइव चैट में बताना है। तो देखिएगा इसका राइट आंसर जो मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सी माइक्रोस्कोप लाइव चैट में बताया है उनका आंसर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है कि द हीट ऑर्डर इज मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग यानी कि तापक्रम निम्न में से किससे मापा जाता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, बी लैक्टोमीटर, सी थर्मामीटर या ऑप्शन नंबर डी वोल्टमीटर। तो देखिएगा तापमान यानी कि तापक्रम जो मापा जाता है वो आपका थर्मामीटर से मापा जाता है। यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी थर्मामीटर यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन को। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है और इससे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूंगा अगर आपको इसका PDF लेना है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु की मात्रा किसमें नापी जाती है। ऑप्शन है किलो,
बी न्यूटन सी मीटर या ऑप्शन डी घंटा। तो देखिएगा वस्तु की मात्रा जो होता है वो आपका किलो में मापा जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए किलो, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारे यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जाते जाते एक एक लाइक कर देना है, एक बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे दबाना है, अपना स्कोर जरूर कॉमेंट करके बताना है कि आपका टॉप इंपॉर्टेंट जीके और जेएस का टेस्ट में कितना क्वेश्चन सही होता है। अगर आपका स्कोर 25+ हुआ तो मान के चलना आपका तैयारी एकदम मस्त है, आपको इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।